सो हाय एवरीवन, दिस इज मनीष यादव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और यार आज मैं अपने जे एडवांस के दिन की आपको कहानी बताऊंगा कि क्योंकि आपका जे एडवांस बहुत क्लोज आ चुका है लगभग, तो मैं सोच रहा था यार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग स्टेप बताया जाए मेरी जे एडवांस की जर्नी। मतलब जर्नी तो क्या, वो दिन बहुत एक्साइटिंग था, बहुत ही अजीब सा कहूँगा मैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी भी हुई थी उस दिन और एक्सपेक्टेशन डूबी भी उस दिन। तो स्टार्ट होता है यार, मतलब जे एडवांस हमारा पेपर था 9 बजे से 12 बजे, एंड देन 2 घंटे का ब्रेक था, एंड फिर 3 घंटे की अगली शिफ्ट थी, तो 6 बजे के अराउंड हमारा पेपर ख़त्म होना था। और मेरा जो पेपर था वो मेरे घर से अराउंड 80-90 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर आया था, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहा करता था और मेरा सेंटर आया था फरीदाबाद में। ये हरियाणा के 2 स्टेट्स हैं, में थोड़ा डिफरेंस है। तो सुबह 8 बजे था मुझे यहाँ से निकलना पड़ता था, अप्रॉक्सीमेटली मुझे 7 बजे अगर सही टाइम पे पहुँचना था तो मुझे वहाँ से निकलना था। तो उस दिन तो यार पूरे दिन तो सुबह नींद ही नहीं आई, क्योंकि यार जे एडवांस का पेपर था और जैसे जेई मेन्स में मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि जेई मेन्स का पेपर क्या था कि 4 अटैम्प्ट थे, तो डर नहीं लग रहा था कि हाँ यार पेपर, मतलब पहला अटैम्प्ट बिगड़ भी गया तो दूसरा अटैम्प्ट ईजी हो जाएगा, बट ये जे एडवांस था यार, इसमें अगर गलती करी तो फिर भाई पूरा साल ही रिपीट करना पड़ जाएगा, तो उस बात का बहुत डर था यार। और आई एम पर श्योर कि आपके साथ भी ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा होगा कि आपको भी नींद अब आनी बंद हो गई होगी, और ये नॉर्मल बात है यार, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं भैया नींद नहीं आ रही, बट ठीक है चिल है। तो यार नींद बिल्कुल नहीं आई थी, तो पूरी आँखों के नीचे ऐसे ब्लैक सर्कल से हो गए थे। जब सुबह उठ के देखा तो खुद ही डर गया मैं कि यार ये क्या हो गया, दिमाग अगर काम नहीं किया तो फिर पेपर तो गया, मतलब टोटल वेस्ट किया। तो उस दिन यार सुबह मैंने 2 कॉफ़ी के शॉट्स चढ़ा लिए थे। अब ये मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा किसी को भी करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, कॉफ़ी के शॉट्स नहीं चढ़ाने चाहिए थे मुझे। बट ठीक है यार, मेरे को लगा कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आएगी, तो पेपर में मतलब सोच रहे हो पेपर में मैं सो गया, मैं ये सोच रहा हूँ कि जे एडवांस जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डे था उस दिन का, मैं सो जाऊँगा उस दिन। तो मुझे लगा यार कॉफ़ी के शॉट्स चढ़ा लेते हैं, तो कॉफ़ी के शॉट्स चढ़ाए और फिर भाई चल दिए। बात ये थी कि हमारा पेपर 8 बजे शुरू होना था और मैं आधे घंटे पहले पहुँच गया था, थैंक गॉड। अब पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जे एडवांस 2021 देने से पहले मैं जे एडवांस 2020 का पेपर देख के गया था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे दबा के, एंड मैं इसमें भी आपको कहूँगा यार प्रीवियस ईयर आप ज़रूर जाओ सॉल्व करके। तो वो सॉल्व करे थे यार मैंने, तो मैंने देखा था 2020 का पेपर बहुत टफ आया था, खासकर कि फिज़िक्स काफ़ी अच्छी खासी लेवल की टफ आई थी। तो मन में यार मैं कोई एक्सपेक्टेशन बना के गया था कि पेपर 2021 वाला भी टफ ही आने वाला है, क्योंकि एज पैटर्न फॉलो करते हैं लोग कि तो 2020 का टफ आया तो 2021 भी टफ आएगा। पेपर स्टार्ट होता है यार, पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ का वॉल्यूम का एरिया, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में आपके क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको वॉल्यूम मतलब कुछ तो निकालना होता है, जो एरिया आता है ग्राफ का उससे निकल जाता है। तो पहला क्वेश्चन वो भाई वो एकदम 1 मिनट में सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी ईजी था, वर्क पावर का सिंपल फार्मूला लग रहा था, वो हो गया। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, बीच में मैं डर गया यार, मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे लगातार होने लग गए ना, तो मैं डर गया यार जे एडवांस का पेपर है, इतना ईजी तो नहीं आ सकता, पिछले साल का तो इतना टफ आया था, इतना मुश्किल इतना ईजी आ नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्वेश्चन पीछे देख रहा हूँ, कि यार ट्रिक क्वेश्चन तो नहीं है कुछ, कि गलती तो नहीं कर रहा, बाद में घर जाके देखेंगे ट्रिक क्वेश्चन निकला और फिर फटके 4 हो गई। तो वैसे ऊपर नीचे देख रहा हूँ मैं, तो मुझे ऐसे कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं सिंपल लग रहे थे, ऐसे किया केमिस्ट्री हो गई मैथ्स हो गई। लाइक जे एडवांस का पेपर 15 मिनट पहले हो गया था, पहला पेपर 15 मिनट पहले हो गया था, और भरोसा नहीं हो रहा था कि पेपर इतना ईजी आ सकता है। मन में डर भी था यार कि अगर ईजी पेपर आया तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो ऊपर जाएगी, बट ठीक है, मतलब जब आपको इजी पेपर करते हो ना यार तो मन में कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि इतना ईजी पेपर आएगा। उसके बाद हमारा 12 से 2 था ब्रेक। अब ब्रेक में यार आसपास ही काफ़ी सारे होटल्स थे, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होटल ले लिया था कि वहाँ जाके सो जाऊँ। अब यहाँ पे जो मैंने कॉफ़ी पी थी ना उसने असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। एक तो यार जे एडवांस के जब भी आप जाओ तो कभी भी खाओ तो यार हैवी मत खाना लंच में, जब आप पेपर का ब्रेक का लंच करो कभी हैवी मत करना, क्योंकि वो आपको नींद लाएगा। तो मैंने हल्के से सैंडविचेस खाए थे और मैं जाके सोचा कि सो लेते हैं पेपर, क्योंकि दिन में भी नहीं सोए थे और अब ये पहला पेपर हो गया, थोड़ी मन में ऐसे शांति सी है तो सो लेते हैं। मैं सोने गया, 2 घंटे हमारा आराम से ब्रेक था, भाई नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। और ये मतलब पेपर की एंजाइटी के कारण नींद नहीं आ रही, नहीं बिल्कुल नहीं, कॉफ़ी थी ना अब वो अपना असर दिखा रही है, अब कॉफ़ी के कारण नींद नहीं आ रही है। तब भाई बिल्कुल परेशान हो गया, क्योंकि मेरे पता है मेरी एक बात है कि अगर मेरे को नींद ना आए ना सही टाइम पे, तो मेरे दिमाग में टेंशन से होने लग जाती है, सिर दर्द सा होने लग जाता है, और सिर दर्द मेरा होने स्टार्ट हो गया था। तो दूसरा पेपर मतलब ऐसे 2 घंटे बैठ के ऐसे करके बट नींद नहीं आ रही है, तो सिर दर्द होने लग गया। और अब दूसरे पेपर की भी मैंने एक्सपेक्टेशन बना ली थी कि पेपर ऑब्वियसली आसान आने वाला है, तो जब मैं दूसरा पेपर देने जा रहा था तो मन में हाँ था कि अब यार पहला पेपर जैसा आया वैसे ही आसान आएगा। दूसरा पेपर जाते ही आया, फट के 4 हो गई हमारी,
क्योंकि क्वेश्चन आए समझ ही नहीं आ रहा है लिखे क्या, मतलब एक तो होता है आपके मन में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा भाई, क्वेश्चन पढ़े हो समझ ही नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है यही नहीं समझ आ रहा था मुझे। ऐसे 5-10 मिनट हो गए और मैं पेपर स्क्रॉल कर रहे जा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन तो मिले जो कर सकूँ मैं, बट नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा जो कि कर सकूँ मैं। और भाई बहुत बुरी हालत हो गई, मतलब एक क्षण को तो ऐसा लगा यार कि गया, मतलब ड्रॉप ही लेना पड़ जाएगा, चाहे पहला पेपर कितना ही अच्छा गया हो दूसरा पेपर हो ही नहीं रहा, क्योंकि सच में पहले 15 मिनट मुझसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। और आप ऐसे पेपर में जब आपके एक क्वेश्चन भी सॉल्व ना हो ना पहले 15 मिनट, तो आपकी फटके 4 हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो यार, और जहाँ मैं बैठा था ना वहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज आ रही थी, तो गर्मी तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो पसीना भी आ रहा है, पेपर भी कुछ नहीं हो रहा भाई, बहुत गंदी वाली हालत हो गई थी। तो मतलब रोना सा भी आ गया कि यार ये क्या हो गया, मतलब गया साल ठीक है, बट फिर हाँ हिम्मत नहीं आ रहे, नीचे गए केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन हल्के से बनने लगे, मैथ्स में 1-2 बनने लगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। बट ये पेपर उस पेपर से बहुत ज़्यादा टफ था, अगर वो पेपर 10 के स्केल पे 5 था तो ये पेपर अराउंड 12-13 तो ज़रूर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ पेपर था हमारा सेकेंड पेपर। तो वही मैथ्स के भी 2-3 सवाल ही हुए, ज़्यादा नहीं, मैथ्स के पैराग्राफ्स मैंने छोड़ दिए, लाइक जो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंसिव टाइप आते हैं ना आपके, वो मैंने 2 आए थे और दोनों मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहे थे क्या पूछना है, सच में कोई आइडिया नहीं था। बट ठीक है, वो पेपर किया और आगे पीछे स्क्रॉल कर करके ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करे कि कोई ये हो जाए, हल्का सा इधर से कर लिया, हल्का सा इधर से कर लिया, और इन दी एंड यार मतलब ठीक प्रोपोर्शन में कर लिया था, अराउंड 45-50 क्वेश्चंस कर लिए थे, या मतलब एग्जैक्ट मेरे को नंबर से याद नहीं है कितने क्वेश्चन करे थे, बट हाँ कर लिए थे। और फिर भाई लास्ट के मतलब 10 मिनट में ऐसा था कि और पेपर में कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे को और पेपर समझ नहीं आया था, क्वेश्चन मेरे बचे थे काफ़ी सेकेंड पेपर के, ऐसा नहीं था कि सेकेंड पेपर काफ़ी अच्छा ठीक हो गया था, बट ठीक है क्वेश्चन बचे थे काफ़ी और वो सॉल्व हो ही नहीं रहे थे, कितनी ट्राई करूँ, तुक्का मारूंगा तो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए तो भाई तुक्का मैं नहीं मार रहा, तो मैं छोड़ दिया। और फिर लास्ट के 10 मिनट बस गिन रहा हूँ कि यार ये 2 साल, मतलब लास्ट के 10 मिनट बैठ के पेपर तो मैं देख ही नहीं रहा भाई, मन में रीकैप आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे कैसे डाउन्स आए, कैसे कैसे अप्स आए, और फाइनली ये प्रिपरेशन हुई और जे एडवांस ख़त्म हुआ फाइनली 3 अक्टूबर को हमारा। और उस समय मन में ये नहीं था कि कोई IIT मिलेगा कि नहीं, भाई उस दिन IIT तो दिमाग में आया ही नहीं, उस दिन था भाई फाइनली ख़त्म हुई। फिर घर जाके यार पेपर देखा और कट ऑफ वगैरह पिछले साल की देखी, अपने मार्क्स जब आंसर वो आए क्या कहते हैं आंसर की आई, तो अपने मार्क्स देखे तो मार्क्स मेरे कुछ 35% से 40% के बीच में ही बन रहे थे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख के कुछ लोग यूट्यूब पे कह रहे हैं कि 30-40% पे आपकी 14,000 रैंक बनेगी, समथिंग बनेगी, तो वहाँ पे फिर डिप्रेशन आ गया कि यार ये क्या हो गया। बट फिर जब रिज़ल्ट आया तो सब यूट्यूब प्रेडिक्शन फेल हो गई, और ऐसा रिजल्ट आया कि आज मैं IIT दिल्ली के अंदर बैठ के वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था यार, कुछ मतलब पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का डिफरेंस था जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि पेपर 1 बहुत आसान बना दिया, पेपर 2 बहुत मुश्किल बना दिया। तो यही कहूँगा यार, आप भी अगर जा रहे हो तो 2-3 चीज़ें याद रख लेना, कॉफ़ी ओवरडोज मत कर लेना, नींद नहीं आएगी, हैवी खाना मत खाना क्योंकि उससे भी फिर नींद आ सकती है, उससे नींद आ सकती है, और कॉफ़ी ज़्यादा पीने से नींद नहीं आएगी, तो ये दोनों गड़बड़ कर सकते हैं। और तीसरी बात यार, पेपर में कोई एक्सपेक्टेशन मत ही लेके जाना, पेपर हार्ड आएगा मुश्किल आएगा कैसा भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्सपेक्टेशंस मत लेके जाना, बस मैं यही कहूँगा। ये 3 चीज़ें अब ध्यान रख लोगे तो पेपर अच्छा जाएगा, और पेपर अच्छा जाए तो और कमेंट कर देना, बताना कैसा गया। तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट, बाय।